भाई गांधा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन कैसे आप सब। मेरा नाम आजाद है। मैं यार भाई साहब, भारत ने भाई चाइना से ज्यादा अमेरिका में फोन्स की एक्सपोर्ट करके राज्य डाला इतिहास। अच्छा, हाँ क्या बोल रहे हो, आईफोन? मतलब के सारे फोन्स अगर हम देखा जाए तो, मतलब अच्छा? आईफोन्स भी और भी देखते हैं वीडियो, वाच करते हैं, चैनल को पीछे छोड़ दिया। वही ना, देखते हैं कौन ऑन कर दे स्टार्ट। भारत की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग पावर ने एक बार फिर से चीन की टेंशन को बढ़ा दिया है। और इस बार खबर आई है अमेरिका से, जहां भारत में बनाए गए स्मार्टफोन काफी पसंद किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि भारत में बनाए गए स्मार्टफोन का निर्यात अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा है, जबकि चीन में बनाए गए स्मार्टफोन के निर्यात में कमी आ रही है। बात चाहे स्मार्टफोन की हो या फिर सेमीकंडक्टर की, भारत ने चीन के आर्थिक साम्राज्य को चुनौती देने की जो योजनाएं बनाई है, अब वो अपना असर भी दिखाने लगी है, जिससे चीन की टेंशन बढ़ गई है। सो इंडियन, मुझे ऐसे लग रहा है कि उसकी रीच बहुत ज्यादा बढ़ रही है। चाइना के पेट पे लात मारी गई है। चाइना की इकोनॉमी क्या क्रैश करने वाली है? क्या इज इट द एंड ऑफ चाइनीज इकोनॉमी? चाइना का एक फाइनेंशियल वायरस जो दुनिया को लेकर डूबने वाला है भैया। फाइनेंशियल वायरस एवरग्रांडे अप्रोक्सीमेट $76 बिलियन के कर्ज में और डूबने की कागार पे। पाकिस्तान अकेला मुल्क है जो कि चाइना से टैंक इंपोर्ट करता है, तब वो फेलियर हो जाता है। अरे आपको इंपोर्ट वो करना चाहिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। नहीं, आपको इसे सीखना चाहिए, सीखना होगा, इसको देखना होगा। मोदी साहब एक नई तारीख रकम कर रहे हैं भारत के हवाले से, तरक्की के हवाले से। 8.4% ग्रोथ जो है वो एक वाकई ही एक जिंदा मिसाल है। ये चाइना का पतन शुरू हो चुका है। एक टेक्नोलॉजी एरिया में तो पतन शुरू हो गया, बाकी डेमोग्राफिक्स हो, उनका इकोनॉमी हो, उनका डिफेंस एरियाज में हो, ऐसे बहुत से एरिया में वो उनका पतन हो रहा है। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स उसमें भी हो रहा है उनका। यह इंडिया जहाँ पर जाता है ना, अपना बना लेता है या छीनने की कोशिश करता है। इंडिया ने प्रॉपर स्टांस नहीं लिया, इंडिया ने उसकी जवाबी कार्रवाई नहीं की, इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज के यार देखो, मोबाइल के भारत ने अफ्रीका और चाइना को रिजेक्ट कर दिया, अमेरिका ने चीन से भी ज्यादा बेचे हैं। जो अपने आप बहुत ही कमाल की खबर है, क्योंकि अभी तक चीन मैन्युफैक्चरिंग की मोनोपोली की वजह से पूरी दुनिया में अपनी मनमानी करता रहा है। पर ये खबर इस बात का सबूत है कि भारत जिनको इस सेक्टर में भी बहुत जल्दी पछाड़ने जा रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है, उसको जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। भारत से अमेरिका होने वाले स्मार्टफोन के निर्यात में 255% का उछाल आया। इसी दौरान चीन और वियतनाम से अमेरिका होने वाले स्मार्टफोन के निर्यात में बड़ी गिरावट देखी गई। चीन का निर्यात 8%, वहीं वियतनाम से अमेरिका को होने वाला स्मार्टफोन निर्यात 42% कम हुआ। जी रोहित जी, आप सही एस्टिमेट किया है। ये चाइना का पतन शुरू हो चुका है। एक टेक्नोलॉजी एरिया में तो पतन शुरू हो गया, बाकी डेमोग्राफिक्स हो, उनका इकोनॉमी हो, उनका डिफेंस एरियाज में हो, ऐसे बहुत से एरिया में वो उनका पतन हो रहा है। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स उसमें भी हो रहा है उनका। यही आपका और उनका बड़ा डिफरेंस है। और मैं चाहूंगा कि फ्यूचर के अंदर मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं कि हमें भी कोई चाय वाला मिले, हमें भी कोई डॉक्टर जयशंकर मिले जो पाकिस्तान मैं देखें, मेरे बच्चे लौंडे लपाड़े मेरे पीछे पड़ जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि गूगल करके देखो यार कि तुम्हारी एस्टेब्लिशमेंट, तुम्हारे लीडरान कहाँ रहते हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। और भारत के जो लीड पिछले देख लो, 4 वजीर आजम उनके कहाँ बैठे हैं, उनके पिछले 4 जर्नैल देख लो, उनके 4 पिछले जजेस देख लो, चीफ जस्टिस देख लो, और उनके हाई कोर्टों के जजेस कहाँ बैठे, सारे भारत के अंदर बैठे। वाह क्या, कोई भी भारत पाकिस्तान के ऊपर तो खैर वो न्यूक्लियर एसेट्स को लेकर या वेपन्स को लेकर भी बात होती रहती है कि शायद ये बेचने जा रहे हैं, ये बात भी चलती रहती है। देखिए ये उस कैंपेन का हिस्सा है जो ये कहते हैं मुर्शिद नहीं तो पाकिस्तान को जला के राख कर दिया जाए, ये उसी कैंपेन का हिस्सा है। वरना ये होता है, इस तरह कभी हुआ है? मैंने कल परसों किसी ने मुझे कहते जी वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के लोग आ गए हैं, वो बम उठा के अपने साथ ले जाएंगे। यार कैसी बात कर रहे हैं, ये पकौड़े हैं जो उठा के ले जाएंगे यहां से, कैसी बातें कर रहे हैं? कहते वो आए हैं बम लेने के लिए आए हैं। यार को बम इस तरह की चीज है जो उठा के बैग में रख के तो वो लंदन ले जाएंगे, वॉशिंगटन डीसी ले जाएंगे, लेकिन बिल्कुल वो जिस तरह कह रहे हैं, वो कहते मुर्शिद नहीं है तो आग लगा दो हर चीज को। चाइना से ये प्रॉब्लम है कि वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज करेगी तो सब कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर उसको वेपनाइज करता है चाइना, इससे दिक्कत होगी।
ये प्रॉब्लम है, स्पाइंग करता है और उसको वेपनाइज करता है। मान लीजिए कि आपका मतलब आपका जो पर्सनल डेटा है, जैसे आपका ब्लड डिटेल्स हो या आपका हेल्थ इश्यूज हो, इनके डिटेल्स उनके पास जब पहुंच जाएंगे तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने के लिए उनको इस्तेमाल करेंगे। या आपके मतलब आपके सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम को तोड़ने का कोशिश करेंगे, आपके दिमाग में शंक मतलब कोई क्वेश्चन बिठा देगा कि आपके जो सरकार है वो निकम्मा है और या आप पीड़ित हो, एक बाइनरी खड़ा करने का कोशिश करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इट्स कॉल्ड सटल कम्युनिकेशन में आपको धीरे धीरे से एक डाउट पैदा आपके दिमाग में बिठा देगा। क्यों? क्योंकि आपका वल्नरेबिलिटी उनको पता है, उनको इस्तेमाल करके वेपनाइज करता है, चाहे वो वोटिंग इश्यूज में हो, आपके हेल्थ इश्यूज में हो, आपके इकोनॉमिक इश्यूज में हो, आपके चॉइसेस में हो, बहुत से एरियाज में वो वेपनाइज करता है। लेकिन भाई साहब अब चाइना कहीं का नहीं रहा, भारत ने भाई साहब चाइना की मार कर अमेरिका में भाई साहब एक्सपोर्ट अपनी मोबाइल फोन्स की बढ़ा दी है, क्योंकि इंडिया की जो क्वालिटी होती है भाई साहब उस पे लोगों ने एतबार करना शुरू कर दिया चाइना के मुकाबले में, क्योंकि उनको पता है कि चाइना साला ऐसी गंदी चीज बनाता है कि भाई जो उसकी लाइफ महीना या दो महीने से ऊपर नहीं होती, लेकिन उन्होंने लगता है पहले इंडिया की चीजें यूज की, वो चल रही हैं भाई, उन्होंने और एतबार किया चाइना के पिछवाड़े पे लात। अब यूएसए में 8% एक्सपोर्ट गिरी है, अंदाजा लगा, ये गिराने वाला कौन है? इंडिया। और 250% इंडिया की बड़ी है यार, खुद अंदाजा लगाओ कि मेड इन इंडिया चीजों का अमेरिका में कितना जलवा बड़ा चल रहा है। और वियतनाम और ताइवान की भी अमेरिका से 40% से above भाई साहब मोबाइल फोन डाउन आए, इंडिया की बड़ी है, इंडिया ने भाई साहब कब्जा कर लिया यानी इस मार्केट पर भी, चाइना तो बढ़ गया भाई, चाइना तो जहां से निकला था गया यानी भाई साहब ये बात माननी पड़ेगी। तुम्हारे पास चाइना के फोन आते हैं ना देखने नहीं, दो नंबर के कॉपी सही का ये फिर उधर जाके देखते हैं लोग ना, गोरे भी के कॉपी हैं, वो इंडिया के भी इस्तेमाल करके उन्होंने देखे और चाइना के भी। मोबाइल फोन्स में दो नंबर ही नहीं करता, मैन्युफैक्चरिंग करता है भाई डंगे की चोड़ पे करता है, ए वन चीज अंदर लगाता है, तभी तो देखो अमेरिका ने चाइना को बोला तू एरी चीज नजर यहाँ पर ना आए, चाइना को खत्म कर। बिल्कुल, मेरा कल दोस्त चार पांच दिन दोस्त आया दुबई से, उसके पास आईफोन था उस पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ, सही बोल रहा हूँ मैं, झूठ क्या बोलूंगा यार, झूठ बोलने में कोई चीज है, उसके पास था मेड इन इंडिया, आपने अंदाजा लगा, बैग में लिखा हुआ, बैग में लिखा हुआ, आपने अंदाजा लगा मेड इन इंडिया। हाँ मैंने बोला यार ये तो चाइना का होगा, ये देख पढ़ लोगो मेड इन इंडिया, यार देखो ना मुझे भी शर्म आ गई, हम कहाँ खड़े हैं वो कहाँ खड़े, देखो ना आज दुबई में मेड इन इंडिया फोन, आज अमेरिका में चाइना की जगह मेड इन इंडिया फोन, ये होती है तरक्की, ये मोदी जी ना होता तो भाई साहब ये चीज ना होती। देखो आज पाकिस्तान में जो बाहर से मोबाइल आ रहे हैं वो भी मेड इन इंडिया। ओ यार जलने की बात तो है ना, हम सोचते हैं ना हमारा मुल्क क्यों पीछे रह गया, वो क्यों आगे निकल गया, उन्होंने कैसे काम किए कि वो आगे निकल गए, हम क्यों पीछे रह गए, हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए था। वो वही बात, ये बोलते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, वो चोर नहीं है, वो चोर नहीं है, वो ईमानदार है, वो अपनी नेशन के साथ अच्छे हैं, और हम चोर हैं, चोर आज वो ईमानदार है, आज उन्होंने अमेरिका की मार्केट पर कब्जा कर लिया और चाइना तो बढ़ गया, देखना चाइना को काउंटर करने वाला कौन है, इंडिया ही सिर्फ कर सकता है आज उससे ये प्रूव कर दिया। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।